ओके गाइस, आज की रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी है। ये गार्लिक चटनी के संग बनाई है, मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव। सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। ओके, ये मैंने बनाया है हल्दी कढ़ाई, जो बहुत सिंपल है, बासमती और हल्दी कढ़ाई। ओके, और ये है हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट: अनियंस, ग्रीन चिली और गार्लिक चटनी, मिक्स वेजिटेबल्स। दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कोकोनट ऑयल के स्पून, और ये 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। हेल्दी फैट्स आर इसेंशियल, और ये क्यूमिन सीड्स 4 टेबल स्पून डालना, और हरी मिर्च। और इसको सोटे करना है बस लो पे, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, जब तक क्यूमिन सीड्स थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ओके, अब मैं डाल रही हूँ अनियंस जो हमने चॉप की हैं, 2 मीडियम अनियंस। इनको बस मीडियम लो पे हमने सॉटे करना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। ये रेसिपी बहुत फास्ट है और बहुत इजी है, और गेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी बनाने के लिए। और अनियंस का फ़ायदा है, ये सबसे बहुत फ़ायदा करती हैं कैंसर के लिए, क्योंकि इनमें बहुत सल्फर होता है। तो इसको ज़रूर खाया करो हर एक रेसिपी के संग, हर एक मील के संग। ओके, अब मैं डाल रही हूँ अपनी मिक्स वेजिटेबल्स। आप कुछ भी डाल सकते हो, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, और जो भी आपकी फेवरेट है, बीन्स, ग्रीन बीन्स, जो भी है आपका मन डालने का, आप डाल सकते हो उस के अंदर। एंड देन वी जस्ट सॉटेड जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हो आप मिला सकते हैं। जितनी खाओ वेजिटेबल्स उतनी ही अच्छी हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, और अपनी डाइट जितनी आप वीगन और वेजिटेरियन रखो अच्छा है। ये मैं मिला रही हूँ हल्दी 2 टीस्पून, तो जितनी अच्छी हो हल्दी उतना अच्छा है। क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये है ब्लैक पेपर। रफी मैदा 2 स्पून मैं डाला है, तो आप डाल सकते हो। और ये है बिरयानी मसाला, अबाउट 1.5 टी स्पून के लिए। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि बहुत स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल चुके हैं और इसमें हम गार्लिक चटनी भी डालेंगे, तो ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए आपके लिए। ओके, तो आप बहुत कम डालना पड़ेगा शुरू में। थोड़ा सा वाटर चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमने बहुत सारी मिर्ची डाली हैं, स्पाइसेस डाली हैं, तो वो बर्न ना हो। इसको अभी भी मीडियम लो पे मैं सॉटे कर रही हूँ। आप कर सकते हो मीडियम पे आप चाहो तो, लेकिन ध्यान रखना कि आपकी स्पाइसेस डलें, और पानी डालना 2-3 स्पून अगर डलना शुरू हो जाए आपकी स्पाइसेस, जलना शुरू हो जाए आपकी स्पाइसेस। देखो हमारा मिक्सचर कितनी जल्दी रेडी हो गया, और अब हम डालेंगे टोफू। इसको बस रफली चॉप कर लिया बिग पीसेस में, और बस धीरे धीरे मिलाना है जिससे कि ये बिल्कुल क्रम्बल ना हो जाए। तो इसकी शेप रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी हो चुकी है। ये रेसिपी मैंने बताया ना, बहुत इजी है। और मैं सॉल्ट डालना भूल गई, 2 स्पून डाल रही हूँ मैं अभी इस समय हिमालयन सी सॉल्ट का। आप वाइट सॉल्ट मत खाया करो, वो बहुत टॉक्सिक है, तो घी सी सॉल्ट खाओ। और ये मैंने डाली है गार्लिक चटनी 2.5 बिग स्पून। ओके, इसमें बहुत फ़ायदा है, इस गार्लिक चटनी में फ़ायदा ही फ़ायदा है। 7 अलग तरह के बीज हैं इसके अंदर, और गार्लिक है, और स्पाइसेस हैं। बस अब इसको मिलाना है, तो फ्लेवर आ चुका है, और ध्यान रखना अपने स्पाइस लेवल का। अब हम डालेंगे चावल, और ये रहे हमारे येलो कलर के ब्यूटीफुल चावल, हल्दी के। उसमें भी हल्दी है और इसमें भी हल्दी, 4 स्पून हल्दी तो हम खा ही रहे हैं। तो बस धीरे धीरे मिलाओ आप इसको, जैसे लग रहा है कि मतलब बिरयानी बन गई है इतना ही फास्ट में। ओके, बस दैट इज इट, आपकी रेसिपी तैयार है। मेक श्योर आप हिट करो नोटिफिकेशंस के लिए, सब्सक्राइब करना, और अपने लव्ड वंस के संग शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, रेसिपीज, कोचिंग एंड हेल्थ आर्टिकल्स, प्लीज मेक श्योर यू चेक आउट द ब्यूटिफुल वेबसाइट thegardenrecipe.com। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम देयर एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। ऑल राइट, हियर इज द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय।